देखिए आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अभी भी इस चीज को गलती करता है। देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में एंटर करना, वहां पे जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना रोल कोड रोल क्रमांक सब कुछ मिलाना, मिलाने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना। जैसे कि पोले का साइंस का है दोस्तों, आपको टोटल 1 से लेकर 100 तक प्रश्न दिया जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, 1 से बनाने के लिए शुरू करेंगे, ठीक है, और 1 से लेकर 100 तक फटाफट बनाते हुए जाइएगा। और उसको पहले आपको गोला को भरना, मान लेते हैं 1 से लेकर 100 के बीच आपका 35 प्रश्न जो है बन गया, तो पहले 35 प्रश्न को जो है आपको गोला को भर देना है, ओमर सीट पर भर देना है। उसके बाद फिर दोस्तों दोबारा बनाना, उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन के बाद फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। ये फॉर्मेट को दोस्तों अपनाइएगा, तभी आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिलेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। प्लीज आप लोग दोस्तों फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना होगा तनु क्लासेस, वहां पर गूगल पे सर्च करेंगे तनु क्लासेस, वहां पर दोस्तों टोटल आपको 15 सेट मिल जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो वो भी आप लोग को देख लेना, ठीक है। चलिए फर्स्ट का बिल्कुल आंसर आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन हो जाएगा, यानी कि मेगा पाटेकर का नाम जो है किस आंदोलन से जुड़ा है दोस्तों, तो वो जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन सी आपका फर्स्ट का बिल्कुल राइट सही आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन सा बना, बताइए तो वो पहला राज्य कौन सा बना था। बिल्कुल दोस्तों इसके जो राइट सर वो आपको जाएगा मेघालय, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा मेघालय, ठीक है, राइट सर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है, 2015 में आपको प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल थर्ड के दोस्तों राइट आएंगे वो है असम में, वो कहां पर स्थित है दोस्तों, वो असम में स्थित है, राइट सर आपका थर्ड का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 4, भारत में अंतिम रेल बजट जो है वो कब प्रस्तुत किया गया था, 2021 का बोर्ड मॉडल प्रश्न आपका 4 के दोस्तों, यहाँ पर जो राइट सर है वो हो जाएगा 2016 में, ठीक है। तो भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, 2016 में, ऑप्शन भी आपका 4 का बिल्कुल करेक्ट चुराएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 5, भारत ग्राम सभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, बिल्कुल 5 के दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 वर्ष का, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए विधान परिषद के बारे में तो 6 वर्ष का होता है, वहीं पे अगर आपको पूछे ग्राम सभा का कार्यकाल के बारे में तो दोस्तों टोटल 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन आपका ए जो है 5 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसके न्यायाधीश की दोस्तों नियुक्ति होता है, यानी कि जो नियुक्ति तो होता है लेकिन कौन करता है, मतलब प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, तो आप लोग को पता होगा बिल्कुल इस राइट आंसर क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति, जी हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं दोस्तों उसका जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दो चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उसके दोस्तों नियुक्ति होता है, क्या होता है, नियुक्ति होता है, उसी तरीके से राष्ट्रपति का भी नियुक्ति होता है, प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति होता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है, बिल्कुल 7 के दोस्तों आंसर आपको जाएगा अनुच्छेद 111, ऑप्शन सी आपका 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष में सत्ता में आई थी, बताइएगा केंद्र में जो जनता पार्टी है दोस्तों वो किस वर्ष सत्ता में आई थी, 8 के दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका जाएगा 1977 में, ऑप्शन भी आपका 8 का बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, दो ध्रुवीय का अर्थ जो है वो क्या होता है, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न देखिए आपको पूछा गया है, 9 के दोस्तों बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी, ऑप्शन सी आपका 9 का बिल्कुल करेक्ट चुराएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य जो है नहीं है, आपको पूछा गया कौन सा देश है जो कि आसियान का सदस्य नहीं है, बिल्कुल 10 के दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर है वो आपको जाएगा भारत, ऑप्शन सी आपका 10 का बिल्कुल राइट आंसर आएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था, यहां पर देखिए पहला सम्मेलन की बात हो रही है तो आप लोग को पता होगा बिल्कुल इसके राइट आंसर आएंगे दोस्तों बांग्लादेश यानी कि ढाका में, और अगर पूछा जाएगा कि दक्षिण का जो मुख्यालय वो कहां पर है तो दोस्तों वो जो है आपका बिल्कुल नेपाल में काठमांडू में, ठीक है। तो दक्षिण का जो मुख्यालय वो काठमांडू में, और जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बांग्लादेश में ढाका में हुआ था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 12, बंबई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई थी, बंबई राज्य को अलग करके कौन से दो राज्य बना था, बिल्कुल 12 के दोस्तों सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन आपका ए 12 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 13, महाराष्ट्र में गुजरात राज्य की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 13 के दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 1960 में, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की जो स्थापना है वो 1960 ईस्वी में हुई थी, बहुत बढ़िया बहुत गजब, ऐसी आप लोगों को आंसर देनी है, सभी प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो प्लीज आप लोग गूगल पे जाइए, वहां पर तनु क्लासेस सर्च कीजिए, और वहां से दोस्तों आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ बीबीए मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, बिल्कुल 14 की दोस्तों राइट हो जाएगा 1962 में, यहां पर आपका
14 का राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 1963 होगा, ठीक है। 1963 यहाँ पर ऑप्शन सी आप मतलब कि बी सही होगा। 1963 में दोस्तों नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ था, कब? 1963 में, बिल्कुल सही है एकदम। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका, यूरोपीय देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया है? तो आप लोग को पता होगा 15 के दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, ठीक है। तो यूरोपीय देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया है? उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को। 15 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन बातें सही है? योजना आयोग के संबंध में कौन सा बात यहाँ पर सही है? 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह एक गैर संवैधानिक इकाई है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपका 17, योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2011-13 कई बार आपको यह प्रश्न पूछा गया है। तो योजना आयोग की जो गठन है दोस्तों, स्थापना जो है वो कब हुई थी? 17 के बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा मार्च 15 1950 को, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। योजना आयोग की जो स्थापना है 15 मार्च 1950 को हुई थी। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन था? तो आप लोगों को पता होगा जनता पार्टी मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री थे दोस्तों। ये पार्टी कब जीती थी? 1977 में ये पार्टी जीती थी। आप लोगों को पता होगा इंदिरा गांधी जो है इसके विपक्ष में थी, बिल्कुल। 18 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। टोटल 18 महीने के लिए जो है प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुआ था? यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुआ था भारत और फ्रांस के बीच? बिल्कुल 19 के दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। ऑप्शन भी आपका 19 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्क, इसको ये और एक नाम से जानते हैं दक्षिण, कंफ्यूजन नहीं होना है। एक नाम है दक्षिण, एक है सार्क, और एक आपको क्या दे देगा? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? देखिए कई बार आपको प्रश्न पूछा गया है। 20 के दोस्तों बिल्कुल आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा 1985 में। ऑप्शन आपका 20 का जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? मैंने आपको कई बार याद करवाया कि आपको सबसे पहले भारत को लेना है, भारत के बाद उधर आपको पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर दोस्तों आपको जाना है मालदीव में, और एक है श्रीलंका, ठीक है। टोटल 8 देश जो है वो किसके अंतर्गत आता है? दक्षिण यानी कि सार्क के अंतर्गत आता है। तो बताइए तो यहाँ पर वो कौन सा देश नहीं होगा? बिल्कुल चीन जो है दोस्तों नहीं होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो है दक्षिण यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। 21 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44 यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति को बदलकर किस शब्द को रखा गया था? 22 का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहां पर आपका हो जाएगा, क्या बात है, बिल्कुल आपको जाएंगे सशस्त्र विद्रोह। जी हाँ, इसी शब्द को दोस्तों रखा गया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो आपको कई बार हम करवा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी दोस्तों, वो किस पार्टी का नया नाम है? वो दोस्तों भारतीय जनसंघ का नया नाम है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका पुनर्जन्म है। कभी कभी आपको पूछ देगा भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का पुनर्जन्म है, या फिर पूछ देगा किस पार्टी का नया नाम है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। 23 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में, अप्रैल महीने की 1980 में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था? बिल्कुल 24 के दोस्तों आपके जो राइट आंसर है वो आपके यहां हो जाएगा, इंदिरा गांधी के शासनकाल में संविधान का 42वां संशोधन जो है पारित किया गया था। ऑप्शन आपका 24 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने मतलब कि कितने दिनों तक रोक सकती है? यानी कि अगर विधेयक है, कोई अगर बिल है, तो दोस्तों राज्यसभा जो है उसको कितने दिनों तक रोक सकता है? देखिए 2021 में आपको प्रश्न पूछा गया था, और बिल्कुल 25 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, 6 माह तक, ठीक है। तो अगर यहाँ पर राज्यसभा की बात हो रही है तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा, 6 माह तक रोक सकती है। ऑप्शन डी आपका 25 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? फिर से आपका वही प्रश्न आ चुका है, बिल्कुल 26 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण का पहला सम्मेलन बिल्कुल बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। तो सर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बांग्लादेश में दक्षिण का पहला सम्मेलन हुआ था 2021 में। आपको ये प्रश्न पूछा है कहां पर हुआ था, ढाका में, बांग्लादेश में, बहुत बढ़िया। इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है, काठमांडू में, ठीक है, दक्षिण का मुख्यालय काठमांडू में। चलिए ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो यहाँ पर बात हो रही है टी का, और एक है एस, एस मतलब शिमला समझौता, टी मतलब ताशकंद। तो दोस्तों ताशकंद समझौता जो है वो 1966 में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन सी आपका 27 का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो अभी हमने आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री जो है वही दोस्तों ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? हस्तक्षेप, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, गुट निरपेक्षता। तो राइट आंसर क्या होगा 29 का, बिल्कुल आपके राइट आंसर दोस्तों गुट निरपेक्षता, ठीक है। ये जो है आपका पंचशील का सिद्धांत नहीं है। पंचशील दोस्तों किसके बीच हुआ था, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, इसके इंडिया और चीन के, चाइना के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1900
54 में हुआ था, ये सभी पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा आज एक प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 29 का। दोस्तों राइट सर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं अगर तैयारी उसकी अच्छी नहीं है दोस्तों तो वो भी तैयारी कर सके, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, विश्व मानचित्र पर इसराइल एक देश के रूप में कब आया था। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आपके जो सही आंसर है वो जगह 1948 में, ठीक है। तो विश्व मानचित्र पर इसराइल देश जो है एक देश के रूप में 1948 में आया, ऑप्शन भी आपका ठीक का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को समय को जाएंगे 31, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था। विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था, 31 के आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन सी आपका 31 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न को समय 32, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है। देखिए 2014 में आपको प्रश्न पूछा गया, बताइएगा कौन एक राज्य नहीं है। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएंगे, दिल्ली। दिल्ली जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो 32 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, सिक्किम भारत सहवर्ती राज्य जो है कब बना था। 33 का दोस्तों बिल्कुल आपकी जो राइट आंसर है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों 1975 में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34, AIMDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। 2013 में देखिए प्रश्न पूछा गया और मैं आपको कई बार प्रश्न करवा भी चुका हूँ 34 के दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तो ये जो डीएमके पार्टी, AIMDMK जो पार्टी है दोस्तों वो तमिलनाडु की है। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। चलिए किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए, किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्ता देश प्रदेश की जो है मांग की थी, कौन सा आंदोलन था वो। 35 का बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन ने जो है वो स्वायत्तता प्रदेश की मांग की थी, ऑप्शन आपका बी 35 का राइट आंसर आएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बताइए तो कौन सा राजनीतिक दल है जो कि प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 2015 की बात यहां पर हो रही, तो आप लोग को पता होगा 15 में दोस्तों एक ही पार्टी था जो कि RJD, 15 में भी और एक आपका 15 में भी मतलब कि सबसे ज्यादा सीट लेके आया था दोस्तों, और 2020 में भी, ठीक है। तो 2015 और 2020 में सबसे ज्यादा जो सीट है वो कौन से पार्टी लेके आया, RJD राजद, जिसको मैं बोलते हैं राष्ट्रीय जनता दल। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल, बिल्कुल ऑप्शन डी राजद हो जाएगा, यही जो है लेके आया था। और 2010 में जो है आपका जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू लेके आया था 2010 में, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। तो अभी आपका प्रश्न आया कि भारतीय जनसंघ का नया नाम है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन आपका 37 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पर देखिए गठबंधन की सरकार की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है। 38 के बिल्कुल आंसर क्या हो जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जो है दोस्तों वो भारत के यानी कि गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन डी आपका 38 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको 39, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। तो कांग्रेस के हैं, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल बीजेपी के हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, ऑप्शन सी आपका 39 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, विश्व श्रम संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों वो कहां पर है। देखिए 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपका 40 की दोस्तों, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो यहां पर हो जाएगा जिनेवा में, ठीक है। तो विश्व श्रम संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों वो जिनेवा में है, ऑप्शन भी आपका 40 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 41, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो दोस्तों कब अवस्थित जो है वो कहां पर है। देखिए प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहां पर। 2011 में देखिए आपको प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल 41 के दोस्तों आपकी जो राइट आंसर वो हो जाएगा जिनेवा में, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 42, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है। बताइएगा कौन सा देश है वो, बिल्कुल 42 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन आपका 42 का जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 43, संयुक्त राज्य के महासचिव बान की मून किस देश के हैं। बताइएगा तो ये किस देश के हैं, 43 का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों यहां पर आपको हो जाएगा वह दक्षिण कोरिया के हैं, ऑप्शन डी आपका 43 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 44, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो किससे संबंधित है। 2012 के एनुअल एग्जाम में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया, बिल्कुल 44 के दूसरा आंसर हो जाएगा मानवाधिकार। मानवाधिकार कब दिवस जो कब मनाया जाता है आप लोग ये फटाफट कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है दोस्तों वो आपका मानवाधिकार से, 44 के आंसर आपके ऑप्शन यहां पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 45, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या वो कितनी है। 2018 में देखिए आपको प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल 45 के दोस्तों आपके जो राइट आंसर वो क्या जाएगा 12, ठीक है। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या है वो 12 है, ऑप्शन आपका 45 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 46, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो आप लोग को पता होगा जून के महीने में, बिल्कुल 1975 में। तो ऑप्शन आपका भी ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी वर्ष दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू की थी, ठीक है। 46 के आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 47, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव कौन है। बताइएगा तो प्रेजेंट में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव कौन है, बिल्कुल 47 के दोस्तों आपके आंसर जो है यहां पर आपको इनमें से कोई नहीं लगा देना है अगर आप लोग को नाम नहीं पता हो, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 48,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, बताइए। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा 48 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट सर है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपका, ठीक है। राइट सर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 352। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्र में आपातकाल लगाने के लिए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करना पड़ेगा, तो अनुच्छेद 352। अगर वहीं पर अगर आपको पूछा जाए कि अगर कोई राज्य में आपातकाल लगाना चाहता है तो दोस्तों वो कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 356। और वहीं पे अगर कोई वित्तीय आपातकाल लगाना चाहता है तो उसको कौन सा मतलब कि अनुच्छेद प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों, वो है अनुच्छेद 360, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, ये वित्तीय के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा था राष्ट्र के बारे में, ठीक है, भारतीय मतलब कि यहाँ पूछा था आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल पूछा था, तो डायरेक्ट आपको राइट ऑप्शन ए लगा देना 48 नंबर क्वेश्चन का। देखिए अगला प्रश्न नंबर 49, 26 जनवरी को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्र। बिल्कुल हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। 49 के राइट सर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है, 2011 में आपको प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल 50 के दोस्तों राइट सर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है।